चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बहुत ही टेस्टी खस्ता धनिया की पूरी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। पूरी खाने में बहुत टेस्टी लगता है। इसे आप लंच या टिफिन में बच्चों को दे सकते हैं, या बाहर जा रहे हैं तो आप बनाकर रख सकते हैं। ये खाने में टेस्टी लगता है। इसे आप चटनी, सॉस या सब्जी के साथ भी खा सकते हैं, या फिर वैसे भी खा सकते हैं। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एकदम फ्रेश धनिये की पूरी बनाकर दिखाऊंगी। तो यहाँ पर देखिए, मैं छत में धनिया लगाई हुई थी, तो ये बहुत छोटा था, मैंने एक वीडियो में दिखाया था आप लोगों को। तो ये धनिया हमारा बड़ा बड़ा हो गया है। तो चलिए मैं इसका पत्ता पत्ता तोड़ लेती हूँ। तो इसी तरीके से हम तोड़ लेते हैं, देख सकते हैं आप लोग। तो देखिए दोस्तों, मैं नीचे आ गई हूँ और इस धनिये का जो डंठल है उसे हमने हटा दिया है, उसे हम चटनी में इस्तेमाल कर लेंगे। और इसे हमने अच्छे से धो लिया है और अब चलते हैं इसको बारीक कट कर लेते हैं। तो दोस्तों, बहुत टेस्टी पूड़ी बनता है इसका, तो आप लोग भी ज़रूर बनाइए। अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो इस पूड़ी को आप बनाकर रख सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। आप बिना चटनी या सब्जी के भी इसे खा सकते हैं। तो देखिए, हमने इसे बारीक कट कर लिया है। तो इधर हमने देखिए बर्तन में एक कटोरी गेहूं का आटा लिया है, तो अब इसमें हम धनिया पत्ती को डाल देंगे। आप धनिया पत्ती कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, या इसे पीस कर भी डाल सकते हैं। तो इसे मैं बारीक कट करके ही डाल रही हूँ। अब इसमें हम एक छोटा चम्मच ग्रेट किया हुआ अदरक और एक छोटा चम्मच लहसुन डाल देंगे। अब इसमें हम बारीक कटी हुई दो हरी मिर्च हैं, एक छोटा चम्मच यहाँ पर मैं जीरा ली हूँ चुटकी भर ही, पर मैं एक छोटा चम्मच धनिया पाउडर और आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर और आधा छोटा चम्मच मैंने गरम मसाला लिया है, स्वाद अनुसार नमक। अब इन सभी चीजों को अच्छे से हम मिला लेंगे आटे में। तो यहाँ पर देख सकते हैं, हमने अच्छे से मिला लिया है। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका अच्छे से आटा तैयार करेंगे। तो आटा ज़्यादा टाइट भी नहीं रखेंगे और ना ही गीला रखेंगे, मतलब नॉर्मल आटा हमने तैयार कर लिया है। अब इसे ढककर 3 से 4 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो आटा अच्छे से मतलब सेट हो गया है, तो इसको अच्छे से फिर से मसल लेते हैं ताकि ये एकदम सॉफ्ट हो जाए। तो अब इसका हम रोल बना रहे हैं, तो इसके हम लोई काटेंगे। तो लोई आप छोटा बड़ा जैसे आप पूड़ी बनाना चाहते हैं वैसे काट सकते हैं। तो मैं एक छोटा नींबू के साइज का लोई काट रही हूँ। अब इसका हम गोल गोल पेड़ा बना लेंगे। तो इसी तरीके से हम सारे लोई का पेड़ा बनाकर तैयार कर लेंगे, देख सकते हैं। और यहाँ पर मैं थाली में परथन भी ली हूँ सूखा आटा, तो आप चाहे तो तेल लगा कर भी बेल सकते हैं। मैं यहाँ पर सूखा आटा लगा कर बेलूंगी। तो चलिए हम बेल लेते हैं। तो पूड़ी वैसे ही बेलना है जैसे नॉर्मल पूड़ी हम लोग बनाते हैं, इसी तरीके से पूड़ी नहीं ज़्यादा पतला हो और ना ही मोटा। तो इससे ही हम बेल कर तैयार कर लेते हैं। तो इसी तरीके से देखिए बेलना है, ये पूड़ी हमारा बेल गया है। तो ऐसे ही सारे पूड़ी को हम बेल कर तैयार करेंगे। तो इधर देख सकते हैं, हमने तेल को गर्म होने के लिए रख दिया था, तो इसमें हम थोड़ा सा आटा डालकर चेक कर रहे हैं कि तेल गर्म हुआ कि नहीं। तो तेल गर्म था, अब इसमें हम पूड़ी को डाल दिए हैं और आँच को हम ना ही तेज किए हैं ना ही धीमा है, मतलब मीडियम है। तो इसी तरीके से हम पूड़ी को फ्राई कर लेंगे। तो देख सकते हैं पूड़ी हमारा अच्छे से फूली हुई बन रही है। तो दोस्तों, आप लोग भी पूड़ी को बनाइए और लंच या डिनर में या फिर ब्रेकफास्ट में भी सर्व कर सकते हैं, बहुत टेस्टी बनता है ये पूड़ी। तो चलिए इसी तरीके से सारे पूड़ी को हम फ्राई कर लेते हैं। इसे
इसे आप सब्जी चटनी किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं या फिर वैसे भी खा सकते हैं, बहुत टेस्टी लगता है ये। तो सारे पूड़ी हमारे अच्छे से फूले फूले बने हुए हैं, तो चलिए इसे भी हम फ्राई करके निकाल लेते हैं। देख सकते हैं पूरी अच्छे से फूली हुई है और अब इसे निकाल लेते हैं। तो देख सकते हैं सारी पूरी हमारे फूली हुई है और गर्म है और बहुत टेस्टी और खस्ता पूरी बनी हुई है। तो आई होप आप लोगों को आज की धनिया की पूरी आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और इसी तरीके से मैं नए नए और सिंपल सी रेसिपी लेकर आती रहूँगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।